INS विक्रांत गट्टू और चिंकी गार्डन में खेल रहे होते हैं। तभी पापा ऑफिस से लौटते हैं। दोनों पापा के पास दौड़ कर लिपट जाते हैं। पापा, एक राइड करवा कर लाओ ना स्कूटर पर। हाँ पापा, मुझे भी। अभी नहीं बेटा, कल संडे है। आप दोनों सुबह जल्दी रेडी हो जाना, हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह घूमने जाएंगे। किधर पापा? वो अभी नहीं बताएंगे, वो एक सरप्राइज है। अगले दिन गट्टू चिंकी और उनके पापा मम्मी तैयार हो जाते हैं। अब तो बता दो पापा, हम किधर जा रहे हैं? बस थोड़ी देर और बेटा, अब खुद देख लेंगे। थोड़ी देर में सब लोग गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच जाते हैं। वाव, इसको क्या बोलते हैं पापा? ये कौन सी जगह है? बेटा, इसको गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसको किंग जॉर्ज फाइव एंड क्वीन मैरी की यादों में बनाया गया था। उस समय मुंबई को बम्बई कहा जाता था। अब आप सभी मम्मी के साथ यहीं घूमो फिरो, फोटो खींचो। मैं तब तक आगे जाने का टिकट लेकर आता हूँ। दोनों एंजॉय करने लगते हैं। मम्मी उनकी फोटो खींचती है। तभी गट्टू की नजर पीछे बोट पर पड़ती है। चिंकी, वो देखो बोट। वाव, कितनी बड़ी बोट है। इसको बोट नहीं, फेरी कहते हैं बेटा। हम इस पर बैठेंगे क्या मम्मी? हाँ, बस पापा टिकट लेने गए हैं, उसके बाद हम फेरी में बैठेंगे। थोड़ी देर में पापा फेरी का टिकट ले आते हैं और सभी लोग एक एक करके उस पर चढ़ जाते हैं। वाव, चारों तरफ पानी ही पानी है। वो देखो चिंकी, फिश अभी पानी में छलांग मारी। दोनों फिश को देखकर जोर से ताली बजाकर कूदने लगते हैं। कितना बड़ा है ये बोट। अरे, अब हम एक बहुत बड़े बोट को देखने जाने वाले हैं। वो तो इससे 10 गुना बड़ा है। अगले सरप्राइज के लिए रेडी हो जाओ। वाव, वन मोर सरप्राइज। थोड़ी देर में सब लोग समुद्र के बीच एक म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। ये कौन सी जगह है पापा? बेटा, ये INS विक्रांत का म्यूजियम है। INS विक्रांत, वो क्या है पापा? ये भारतीय नेवी का एक मुख्य जहाज था। इसका निर्माण 1945 को हुआ था। तब इसे HMS हरक्यूलिस के रूप में लॉन्च किया गया था। बाद में इसको इंडियन नेवी को बेच दिया गया था। नेवी में इसका क्या नाम था पापा? नेवी के जहाज हमारी कोस्टल लाइन पर रक्षा करते हैं बेटा। इसके ऊपर हमारी नेवी के जवान तैनात रहते हैं, जो हमारी बाहर से आने वाली प्रॉब्लम से रक्षा करते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में यहाँ के लोग बताएंगे। थोड़ी देर में सब लोग लाइन में लग जाते हैं। चिंकी, शैतानी मत करो, चुपचाप यहाँ लाइन में लगो। सबके टिकट चेक हो जाते हैं। उसके बाद सब अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तभी एक आदमी आकर अपना परिचय देता है। हेलो, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का यहाँ तक का सफर बहुत सुंदर होगा। मैं हूँ आपका गाइड, जो आपको विक्रांत का टूर कराऊंगा और इसके इतिहास के बारे में भी बताऊंगा। आप सभी आज एक बहुत ही सुंदर जहाज के सफर के साक्षी बनने जा रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ किसी भी अवांछित हिस्से को आप ना छुएं और उन जगहों पर कैमरा बंद रखें जहाँ तक के लिए मना किया गया है, वरना आपका कैमरा जब्त हो जाएगा। आपका दिन शुभ हो। ये सुनकर गट्टू पापा से जब्त का मतलब पूछता है। अरे, जब्त का मतलब वो अपने पास रख लेंगे, कभी नहीं लौटाएंगे। उसकी पेनल्टी लगती है बेटा फिर, और वो डेटा भी मिटा देते हैं। ऐसा क्यों पापा? बेटा, ये हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ स्थल है, इसलिए ऐसी जगहों की जानकारी हम पब्लिक प्लेस पर या सोशल मीडिया पर शेयर ना कर दे, इसलिए ये लोग ऐसे निर्देश देते हैं। ओके पापा। गाइड सबको आगे लेकर जाता है, बाकी लोग भी उसके पीछे चलते रहते हैं। मैं आप सभी को सबसे पहले INS विक्रांत के इतिहास के बारे में बता देता हूँ। इसका निर्माण ब्रिटेन ने किया था। ये 1961 से 1997 तक सेवा में था। उसके बाद इसको एक म्यूजियम का रूप दिया गया ताकि सब लोग इसको देख पाए, इसके बारे में अधिक से अधिक जान पाए। तो क्या ये अब बिल्कुल काम नहीं आता अंकल? ये तो नहीं आता, लेकिन और एक विक्रांत नाम का विमान पोत है जो कि पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। क्या उसको भी हम यहाँ देख सकते हैं? नहीं बेटा, वो तो अभी देश की रक्षा के कार्यों में लगा हुआ है, उसको हम अभी नहीं देख सकते। उस पर तो भारतीय नेवी सेना अपना कार्य करती है और पूरे कोस्टल एरिया का ध्यान रखती है। अब आप थोड़ा घूम के एरिया को देख लें और 15 मिनट बाद वापस यहीं आ जाएं। भारत की कोस्टल लाइन इतनी बड़ी है क्या कि इतने बड़े बड़े जहाज रखने पड़ते हैं पापा? हाँ बेटा, भारत की 7000 किलोमीटर सीमा रेखा समुद्र से ही जुड़ी हुई है। इसके एक तरफ अरब सागर है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में दोनों आपस में मिलकर हिंद महासागर बनाती है। वाव, क्या?
क्या हम वहाँ भी घूमने जाएंगे? हाँ बेटा, जल्दी ही दक्षिण भारत घूमने जाएंगे हम। थोड़ी देर बाद गाइड वापस आ जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। विक्रांत शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका मतलब है साहसी, इंग्लिश में करेजस। इसका आदर्श वाक्य भी संस्कृत में है। इस विमान ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसको म्यूजियम किसने बनाया? इसको म्यूजियम बनाने का आइडिया बीएमसी का था। ये सबसे यूनिक मैरीटाइम म्यूजियम है। मुझे तो ये सब सुनकर ही बहुत मजा आ रहा है। भारत के पास तो ऐसे बहुत सारे जहाज होंगे ना अंकल? हाँ बेटा, ऐसे छोटे मोटे 150 पोत और पनडुब्बियां देश के नेवी से जुड़ी है। खैर, म्यूजियम का सारा देखने वाला भाग अब खत्म होता है। अब आप यहाँ घूमो, फिर आराम से इसको देखो, और एक घंटे बाद आपको एग्जिट पॉइंट पर पहुँचना होगा। गट्टू और चिंकी दौड़ दौड़ कर विक्रांत को देख रहे होते हैं। पापा मम्मी भी ये देख कर खुश होते हैं। पापा, मैं भी बड़ा होकर इंडियन नेवी ज्वाइन करूँगा। बेटा, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, आपको खूब मेहनत करनी होगी। I'm ready. लेकिन मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी पापा। ये सुनकर पापा जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ डॉक्टरनी साहिबा, हाँ हाँ। थोड़ी देर में सब लोग विक्रांत घूमकर वापस लौटने लगते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।